नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। शुरू में वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, उसके बाद अब वैक्सीनेशन में हो रही देरी को लेकर लगातार बार बार तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के नेता ने उठा दिया है कि तेजस्वी यादव वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना में थे। पटना में उन्होंने तेजस्वी यादव के वैक्सीन न लेने को लेकर जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। सवाल नहीं कर रहे हैं जो वो देश को ज्ञान देते हैं, तो जरा सा एक बार देश को बता दें उन्हें टीका लगाया कि नहीं लगाया तो लगवा लें। धन्यवाद। ट्विटर पर आपने कहा फैक्ट चेकर्स वैसे हैं जो मोदी विरोधी है। अब धन्यवाद करने हो गया। अब ट्विटर पे बोल दीजिए। सवाल है ट्विटर पर केस टिकट ये कहा है कि सरकार को अब सबक सिखाऊंगा मैं। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद आज पटना में वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे थे, निरीक्षण करने पहुंचे थे किस तरीके से काम हो रहा है, वैक्सीन की प्रक्रिया वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देखने पहुंचे थे कि पटना में किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और इस अवसर पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वह ज्ञान देते हैं, ज्ञान बस दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, देश हित में वो संदेश देना चाहते हैं तो पहले वैक्सीन ले, वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं एक जोरदार सवाल किया है रविशंकर प्रसाद ने कि आखिर वो वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि रविशंकर प्रसाद आज पटना में है और पटना में सबसे पहले वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वहां पर चले, वहां पर योग कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर पहुंचे थे रविशंकर प्रसाद। उसके बाद पटना में ही वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे थे, निरीक्षण पर करने पहुंचे थे। और इस दौरान तेजस्वी यादव के वैक्सीन न लेने को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया था। आपको पता है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बीते कई महीनों से बिहार से बाहर हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली से अभी तक लौटे नहीं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार को घेरते रहते हैं, चाहे वैक्सीन में हो रही देरी, चाहे वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर केंद्र सरकार को लपेटना हो, तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर सक्रिय तो दिख जाते हैं। इन दिनों जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं, जैसे वैक्सीन जब दरवाजे डोर टू डोर पहुंचाए जाने लगे हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने कई जो खुलासे किए गए सबको लेकर सरकार को घेरा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार में लोग वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। मुलायम सिंह के परिवार में सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, तो अब लालू प्रसाद यादव को उनके परिवार से सीखना चाहिए, उनके संबंधी है तो ऐसे में उन लोगों से सीखना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। ये तमाम बातें सुशील कुमार मोदी ने भी कही थी और अब रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर यह सवाल पूछ दिया है कि आखिर तेजस्वी यादव वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो पहले वैक्सीन लें उसके बाद ही ज्ञान दें। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।